पहुंचाने के लिए आप जो शेयर और लाइक करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैं नेहा मिश्रा, संदीप तिवारी की खास खबर पर एक नजर। रूहानी संदेश सत्संग समारोह तथा सामूहिक विवाह हुआ संपन्न। बाराबाकी के ग्राम न्यामतपुर में आज दिव्य रूहानी संदेश सत्संग समारोह आयोजित किया गया, जिसमें संत कृपाल योग साधना श्रम चंडीला के संस्थापक स्वामी दिव्यानंद के प्रतिनिधि डॉक्टर सतीश शामिल हुए। उन्होंने कहा कि स्वामी की कृपा से बाराबाकी में यह पहला सामूहिक विवाह करवाया जा रहा है। आगे भी हम और निर्धन कन्याओं को चिन्हित करके हम हर वर्ष विवाह कराएंगे। साथ ही स्वामी दिव्यानंद एवं माता सुशीला देवी सेवा समिति द्वारा चिन्हित 3 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया गया। इस विवाह में कन्या को दहेज देकर उनके सुख समृद्धि की कामना करते हुए सामूहिक विवाह संपन्न किया गया। हम संत कृपाल सिंह जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं, वो इस समय तो शरीर रूप में मौजूद नहीं है स्वामी जी महाराज, और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से आज यहाँ पर ये सत्संग का आयोजन भी हुआ। और जो ये 3 बच्चों की शादियाँ यहाँ हुई है, ये यहाँ के 12 बंकी की संगत ने इसका आयोजन किया है। वो हुआ है स्वामी महाराज की कृपा के छत्र छाया में, स्वामी महाराज की कृपा से हुआ है और उनकी कृपा से सत्संग हुआ, उनकी कृपा से हुआ है। लेकिन इसमें कोई किसी एक विशेष का योगदान नहीं है, सारी संगत का और सारी 12 बंकी संगत का और कृपा स्वामी जी की है। ये सब उनकी कृपा से हो रहा है और ये पहले भी आयोजन होते रहे हैं। स्वामी महाराज हमारे ऐसे ही आध्यात्मिक कार्यों में और निशुल्क काम करते रहे, उनके हॉस्पिटल भी हैं, उसमें भी निशुल्क सेवा करते हैं और विद्यार्थियों को भी बहुत शिक्षा देते हैं। काफ़ी काम स्वामी महाराज निःशुल्क करते हैं ताकि लोगों को सुख सुविधा मिल सके। क्या ये हर साल होता है? यहाँ पर तो पहली बार ही हुआ है, बाकी तो आश्रम में शादियाँ होती है और जगह शादियाँ होती हैं वहाँ पर भी इसी तरह स्वामी महाराज कराते हैं। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसा कदम जो है हमेशा उठाना चाहिए? जिससे जनता को संदेश यही है कि मिलजुल करके जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, जो हमारे समाज का गरीब तबका है, जो आज अपने बच्चों की शादी ठीक से नहीं कर पाते हैं, ऐसे समागम में बुला करके संत के चरणों में और अच्छे पारिवारिक संबंधों का निर्वाह करें और इस तरह संतों के चरणों में आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन की अच्छी शुरुआत करें ताकि इनका जीवन जो है अच्छा हो चले और इनके बच्चों का, जो बच्चे भी हों, वो भी इससे लाभ उठा सकें।